गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सचित्र रामचरितमानस व कल्याण पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें कि दो दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लिया। सर्वप्रथम गीता प्रेस पहुंचते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लीला चित्र मंदिर पहुंचे, वहां पर भगवान राम कृष्ण और विष्णु की विभिन्न लीलाओं का अवलोकन किया। तत्पश्चात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंच पहुंचकर दो पुस्तक रामचरितमानस कल्याण का विमोचन किया। आपको बता दें यह पुस्तक लगभग 3.5 किलो की है। इसमें 300 रंगीन चित्रों के साथ आर्ट पेपर पर प्रकाशित रामचरितमानस गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयदनका द्वारा लिखित गीता तत्व विवेचनी का परिवर्धित संकरण शामिल है। राष्ट्रपति के साथ ही उनकी पत्नी सविता कोविंद, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पुस्तक विमोचन में शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। दो ग्रंथों के विमोचन का, एक ग्रंथ है तात्कालिक है और सार्वभौमिक है, वह है श्रीमद् भगवत गीता। ये तत्ववेचनी टीका का उसको मंच तक आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक ये श्रीमद् भगवत गीता तत्ववेचनी टीका है। ये बता दें कि अब तक गीता की कुल 16,18,85,000 से अधिक प्रतियां गीता प्रेस से प्रकाशित हो चुकी है। अब बारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के यानी पूज्य श्री महाराज जी के कार्यक्रमों द्वारा इसका विमोचन हो रहा है। ये पूरी पुस्तक आर्ट पेपर पर छपी है। 300 से अधिक इसमें रंगीन भगवान के लीला की प्रेस हुआ है और शायद ऐसा प्रकाशन अभी तक और किसी प्रकाशक के द्वारा। देख के खुशी हो रही है कि ये रामचरितमानस की जिसका विमोचन हो रहा है वो आज महामहिम के हाथ में विक्रम लेडी जो देश की है प्रथम नागरिक है उनके हाथ से अनुमति लेकर के ऑफिस खोल करके उसको निकलवा करके और माननीय राज्यपाल महोदय गुजराती की बोले गुजराती की आए गुजराती की पुस्तक हम लोग राजभवन में जब मिलने गए थे तो श्रीधरी जी का वहाँ राजभवन में